जय गो माता, जय गोपाल। तो जैसे कि आप सभी को बताया, वसुधा अब हमारे साथ नहीं है। हमने खूब कोशिश की उसको बचाने की, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे, मतलब हर तरीके का इलाज किया मगर वो अब नहीं बची, नहीं रही हमारे साथ। काफी लोगों ने जो वसुधा से प्रेम करते थे उन सब ने हम लोगों को फोन कर करके, मैसेज कर करके ये कहा है कि वसुधा की जो अंतिम यात्रा थी वो हमें जरूर दिखाना। तो हमने व्लॉग बनाया था उसको, जब बीमारी हुई थी कि वो ठीक होगी, वापस ठीक हो जाएगी, वो व्लॉग दिखाएंगे कि कैसे ठीक होती है, कि लंपी से कैसे रिकवर करती है हमारी वसुधा, मगर भगवान की इच्छा कुछ। राम राम सर, स्वागत है आप सभी का बावड़े चरों की व्लॉगिंग वीडियोस पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी वसुधा को लंपी हो गया था और इसकी तबीयत मतलब ज्यादा खराब थी, कल रात को तो बहुत ज्यादा ही खराब थी। इसके भयंकर तो दर्द हो रहा था, फिर इसके इंजेक्शन इंजेक्शन लगाए और तो इसकी मतलब कुल मिला के ये कहा था कि अगर ये आज स्थिर कंडीशन में आ जाएगी ना तो अपने पापा को लेके आएंगे, तो आज विघ्न हर्ता को लेके आएंगे इसके विघ्न हरने के लिए, जिससे क्या ये हमारी फटाफट ठीक हो जाए। गणेश जी आएंगे तो फटाफट इसको ठीक कर देंगे। ऐसे कल रात को इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, अब तो ये क्या रेडी रेड हो गई है, बैठी है, उठी है, नहीं तो ना तो बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी, अब कुछ सही हुई है मूवी। देखो भयंकर दर्द है, देखो आंखों से आंसू पड़ रहे हैं इसके। देखो अभी भी इसकी मतलब सिचुएशन सही नहीं है, हाँ मगर ये है कि पहले से कल रात को जो थी वो उससे बहुत ज्यादा सही है। सांस देखो कैसे ले रही है, देखो देखो अभी डॉक्टर साहब को बुलाया है ताकि क्या डॉक्टर साहब एक बार देख ले इसको और जो अब आगे का इलाज करना है वो करें। सुबह के लगभग 5:30-6 बजे लगभग, तो रात को तो ढंग से नींद नहीं कटा, रात को तो ऐसे पड़ी थी, ऐसे खड़ी थी, अब तो ठीक हुई है, खुद खड़ी होने जैसी हुई है। हाँ टिप्पू इसको है ना, इसको मस्ती करनी है, ये बीमार है ना तो भी इसको मस्ती करनी है, इसके दुखता है तो ही मस्ती करनी है, मेरे को इसको देख के दूर से हमसे मस्ती करने के लिए आती है, फिर इसकी क्या जैसे मारे अड़ती आके तो इसको भयंकर दर्द होता है बेचारी के। ठीक हो जाएगी हाँ, अभी आज अपन गणेश जी को लेके आएंगे, गणेश जी इसको फटाफट ठीक करेंगे ना। ये बीमार है मगर इसकी बदमाशी नहीं जा रही है, इसे चला नहीं जा रहा है मगर इसको, ये देखो रस्सी बांध के, मैं आपको इसलिए कहता जैसे ऊपर नहीं चली जाए मगर इसको ऊपर जाना है, अंदर घुसा रखा मुंडा, देखो उन पेड़ों की 12 बजे नहीं है उसको, वो खड़े जाके बीमार है, चला नहीं जा रहा, सांस ढंग से नहीं ले जा रही, मगर नहीं वो अंदर वो बदमाशी का कीड़ा तो है ही, फिर है भी तो हमारी टोकरी है ना टिप्पू, तो फटाफट ठीक हो जा है ना, है ना। देखो 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 ए बिचा पीछे ले जा, पीछे देखो देखो कहां जा रही, देखो देखो बिचा ले, बिचा पीछे ले, पीछे आओ, पीछे 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 ले बेटा, पीछे कहां गई है तू, तो यहां घुसी क्यों, क्या लेने के लिए घुसी तू बदमाश, क्या तू साफ करेगी, ए दूर है दूर है, साफ करने दे। देखो इसको अंदर तो घुसना ही है हमें, मगर फिर भी दर्द फिर दर्द होगा तेरे, यहाँ नहीं तो वहाँ जाऊँ, वहाँ नहीं तो वहाँ जाऊँ। अब आ रही पंचायत कल रात को, इसको पता था कैसी हो रखी थी, फैल रखी थी, प्यां करके सांस ले रही थी। ठीक आ गए डॉक्टर साहब, बुखार है और छोरी को दुख रहा है, इसको पकड़ रखा ना इसके, बस बेटा बस बेटा बस, हम एक एक गोली दे रहे हैं, फिर 5:30 है, अरे तू बीमार है, बीमार बुखार है जबकि इसको 105 डिग्री, तो लामछुरी के आंसू भी आ रहे हैं, इसको पता है इसके दर्द है, इसको बाहर जाना है, बाहर बाहर जाना है इसको, बाहर भाई सब तो बीमार पड़ी है ना, बाहर घूमने जाना है, ये इसके एक और इंजेक्शन लग रहा है, 10-12 बजे को देना, रात को तो मैडम ट्यूं ट्यूं थी, वसुधा का इलाज चल रहा है, यहाँ उसकी बात दोस्त आके देख रहे कि इलाज क्या चल रहा है, चल यहाँ से भग भग उठ, अभी तेरे हो जाएगा ना, चल चल। तो इसके लग गए अब सारे इंजेक्शन, मगर ये तो इसको तो सुना है, इसको खड़ा करना पड़ेगा, हो गई खड़ी, क्या तो सोऊं के बाहर जाऊं, क्या तो सोऊं या बाहर जाऊं, दो ही काम है इसके, बीमार है जिसमें, इसके इतनी चिक्के इतने इंजेक्शन लगे हैं रे, ठीक हो जाएगी यार। तो अब इसको पीपू को भूख की गोली दी जा रही है, जिससे अभी दूध ढंग से पिए, ये कल रात को इसने दूध कम पिया था थोड़ा सा, जल्दी मुंडा खोल पीपी, मुंडा खोल ले ले अंदर फटाफट ले ले, चल
स्टूडियो में आके आपका इंटरव्यू दूं। आओ जल्दी आओ। मैडम बोल रही है कि डॉक्टर साहब जा चुके हैं और मैं अभी बीमार तो हूँ मगर मेरे को बदमाशियाँ करनी है। तो जैसे डॉक्टर साहब इसको देख दिखा के जा चुके हैं, इसके दवाएं इंजेक्शन लग चुके हैं, तो अब हम लाएंगे गणेश जी को, विघ्नहर्ता को लाएंगे आज, ताकि इसके रक्षा कर सके, इसके विघ्न हम हर सके। क्योंकि अगर वो हर सके, गणेश जी विघ्न हर सके और ये फटाफट तैयार हो सके, पीपड़ी जैसे पहले बदमाशी करती थी, कूदती फिरती थी, वैसे कूद सके, है ना। और गणेश जी तो पूरी दुनिया के विघ्न हरते हैं, तो इसके तो हरी। बोलो गणपति बाप्पा। बोलिया। तो ये केवल पानी पानी पी रही है, दूध नहीं पी रही अभी। ये क्या, ये बार बार पानी में मुंह डाल रही है, दूध तो पी नहीं रही है। दूध पी ले। तो ये देखो दूध नहीं पी रही है, इसको कोशिश कर रहे। देखो ये मुंह नीचे कर रही है, मतलब क्या है कि वो ठंड इसके हार्ड है और क्या, अभी इसके बेचारी के मुंह में इतनी श्रद्धा नहीं है कि ये ठंड से चूम सके। पीले बिटू, पीले 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 अभी तो वसुधा दूध तो पी नहीं रही है, तो उसको उसकी माँ का दूध, हल्दी और ये पार्ले जी का घोड़िया करके पिला रहे, ताकि क्या एनर्जी बनी रहे, एनर्जी बनी रहे और क्या है कि उसमें शरीर में ताकत रहे। देखो रो रही है ये। आजा वसुधा अंदर आजा। आओ आओ जल्दी आओ। हाँ कोशिश करो। हाँ आओ आओ। चल चल उधर चलो, चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो बेटा, उधर चलो। हाँ बस बस बस, इसको ऐसे लिटाना पड़ रहा है, इसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल खुद की। हमारी मसूदा को आओ तो अब हम लेके आ रहे हैं विघ्नहर्ता जी को, गजानन जी महाराज को, ताकि वो हमारे विघ्न हरे और हमारी वसुधा को फटाफट तैयार करे। तो अभी उनकी तैयारी चल रही है, बढ़िया उनका पाठ वाठ सजा रहे, फिर जाके लेके आएंगे। तो 1:43 तक अभिजीत मुहूर्त है गणेश पूजन के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार से। तो अभी हम लेने जा रहे हैं गणेश जी को, विघ्न हरता गणेश जी, जो हमारे वसुधा की तकलीफ हरेंगे। यहाँ देखो अलग अलग जगह भगवान गणेश जी की मूर्तियां लगी हुई है, मगर हम वहीं से लाएंगे जहाँ इको फ्रेंडली हो, और मतलब कहते हैं ना मिट्टी के, प्योर मिट्टी के बने, पीओपी के नहीं बने। यही मिले गजानन जी महाराज, राइट तरफ इनकी सूंड है, लड्डू हम यहाँ रख देंगे राइट तरफ, बाकी लेके चलते हैं और वसुधा को फटाफट ठीक करते हैं, ये हरेंगे विघ्न। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। बोल गजानन जी महाराज की जय हो। खोलता हूँ सर। सर ओके सर। हाँ आ रहे पापा, वसुधा के विघ्न हरने फटाफट चलो, तो चले चलो। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। तो ये चला था ड्राइवर गाड़ी, बप्पा का ड्राइवर है ये। यो। और ये रे देखो ये आ गए हमारे विघ्न हर्ता मंगल मूर्ति, वसुधा के सारे विघ्न हरेंगे ये। देख गजानन जी आए, डमरू को दिखाते हैं चलते फटाफट। डमरू डमरू देख, जय 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 आए, देखो ये आगे देख रहे। हाँ बोल गजानन जी महाराज की जय हो। चलो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। तो वसुधा के पास ले जाओ गणपति बाप्पा मोरिया। ये गणेश जी महाराज, हमारी छोरी को तैयार करना फटाफट, सब इसके भी जल्दी से ठीक कर देना, सब भी करना। हाँ चलो। बोल गजानन जी महाराज की जय हो। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो भगवान गजानन जी महाराज की आरती हो चुकी है, तो सबसे पहले इस बार आरती दी जाएगी हमारी। डॉक्टर साहब भी आ गए ये। तो क्या कर रहे हो भाई? डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि वसुधा को बुखार कम नहीं हो रहा है, बाकी ठीक है, इसकी कोई समस्या नहीं है, मगर इसके बुखार 105 दिन वो कम नहीं हो रहा है, और जो कि अलार्मिंग बुखार होता है, तो इसके बुखार ही टूटना जरूरी है।
बर्फ बर्फ के ठंडे पानी की पट्टियां कर रहा हूँ सिर पे, मैं छोड़ी के फटाफट बुखार उतर जा रहा है, आंसू आ रहे हैं यार, इतनी सी जान नहीं। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि प्रार्थना करो कि तैयार हो जाए, ब्लॉग में लाइक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी चोरी बचनी चाहिए। देखो इसके बराबर बर्फ की पट्टी चल रही है, इसका बुखार तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। वसुधा को बांधते थे कि तू जाएगी नहीं, तू ठीक होएगी, तो इसलिए उसने अपना अंतिम समय भी वह चुना जब हम उसके पास नहीं थे, क्योंकि हम जब भी उसके पास होते थे वो उस देह त्यागने की सुबह से कोशिश कर रही थी, नहीं त्याग पा रही थी, और जैसे ही हम 10 मिनट के लिए आगे पीछे हुए वसुधा ने अपना देह। देखो वसुधा जा रही है और इसके भी आंखों में आंसू है, ये भी ऐसे कर रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रही है वसुधा, और माँ को हमने टका है ताकि उसको पता नहीं पड़े, अंतिम विदाई देंगे बाड़े के पास में। ये देखो झूमर के भी आंसू आ रहे, भगवान के पास यही हो तो भगवान के पास दोबारा मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान देखो मोक्ष के बोल गौ मात की जय हो। ये देखो इसके भी आंसू आ रहे हैं, इसको याद आ रही है वसुधा की।